वेलकम बैक टू वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एमएससी जूलॉजी। अगर हमें करना है तो हमें सीयूईटी पीजी का जो एंट्रेंस एग्जाम देना है उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, उसके क्या क्या सिलेबस है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, हम किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है कमेंट सेशन में आ रहे थे। मैंने जो लास्ट अपना प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था सीयूईटी पीजी का एक जनरल इन्फॉर्मेशन का, उसमें आप सबने एक कोड लिखा हुआ है, दैट इज PGQP75। ये जो आपका कोड है ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं PGQP75 कोड की। तो PGQP75 कोड जो है ये आपका जूलॉजी सब्जेक्ट का कोड है। अगर आप अपना मास्टर्स सीयूईटी पीजी एंट्रेंस देने के बाद किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जूलॉजी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो उसका जो कोड है, जैसे आपको पता है सीयूईटी ने सबके कोड बनाए हुए हैं, तो उसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है आपका PGQP75। ठीक है, तो यहाँ पे इस कोड से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन है। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सिलेबस। सिलेबस के बाद हम कौन सी बुक जो है वो रिकमेंड करें, आपकी रिकमेंडेड बुक कौन सी होंगी जिसको पढ़ के आप इस सिलेबस को कवर कर सकते हो। उसके बाद यूनिवर्सिटी वाइज आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्या है, किस किस यूनिवर्सिटी ने कब कब क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, जब अगर आप उनके यहाँ जाओगे तो वो आपको ये ना बोले कि यू आर नॉट एलिजिबल, आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाए और आप एलिजिबिलिटी को फॉलो भी ना कर रहे हो, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको एक एज लिमिट हर यूनिवर्सिटी ने मेंशन की हुई है, किसी किसी ने मेंशन नहीं भी की हुई है, लेकिन जिसने मेंशन की है तो उसके हिसाब से आपको अपना एज लिमिट जो है वो देखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे आपकी कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, कौन सी बुक पढ़नी है, सिलेबस क्या है, एंड एट लास्ट आपको पता होना चाहिए हाउ टू प्रिपेयर, हमें प्रिपेयर करना कैसे है। तो एक एक करके हम इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेटा यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सिलेबस की। एट फर्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सिलेबस की। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो जो आपका ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल साइट पे आपके जो एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस का जो सिलेबस मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको 14 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। कितने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं डियर स्टूडेंट्स? आपको 14 सब्जेक्ट्स जो है वो कवर करने हैं। एक एक करके हम उनके बारे में जानते हैं, जो बुक्स है वो जानते हैं कि हमें किस सिलेबस के लिए कौन सी बुक जो है वो यहाँ पे रिकमेंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट मेंशन है बेटा वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी आपका एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सेल बायोलॉजी में आपको पता है आपको सेल सिग्नलिंग पढ़नी है, मेम्ब्रेन पढ़नी है, आपको क्या कहते हैं कैंसर पढ़ना है, एपोप्टोसिस पढ़ना है, सेल साइकिल एंड डिवीजन पढ़ना है, प्रोटीन ट्रैफिकिंग पढ़नी है। तो सेल बायोलॉजी के लिए बेटा जो बेस्ट बुक आप रिकमेंड कर सकते हो वो लॉर्डिश की बुक है। लॉर्डिश के अलावा बेटा आप लोग कूपर की बुक भी जो है रिकमेंड कर सकते हो, आप एल्बर्ट की जो बुक है वो भी रिकमेंड कर सकते हो, और अगर आप कोई सिंपल लैंग्वेज ढूंढना चाह रहे हो तो आप कार्प की जो बुक है आप लोग वो भी रिकमेंड कर सकते हो। नंबर सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा तो नंबर सेकंड जो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मेंशन है वो मेंशन है आपका बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको पता है अगेन आपको अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, टाइट्रेशन, कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपका मेटाबोलिज्म वाला पार्ट है, ग्लाइकोलाइसिस, ये जितने भी पाथवे हैं, क्रैब साइकिल, ये सब करना है। उसके अलावा आपको न्यूक्लिक एसिड्स का, एंजाइम्स का, इनका आपको मेन फोकस रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स का, बीटा ऑक्सीडेशन जो कि लिपिड के मेटाबॉलिज्म में आता है। तो ये सारा जो आपका पार्ट है बेटा ये बायोकेमिस्ट्री में आएगा। बायोकेमिस्ट्री की तो आपको पता ही है सबसे बेस्ट बुक होती है बेटा लेनिंजर। सबसे बेस्ट बुक है यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की वो है बेटा लेनिंजर। उसके बाद नंबर थर्ड जो आपको सब्जेक्ट तैयार करना है बेटा वो करना है अपना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या करना है बेटा? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करने के लिए बेटा जो सबसे बेस्ट बुक है वो कौन सी रहेगी आपकी? तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ने के लिए वॉटसन की बुक सबसे अच्छी है। बाकी आप लॉर्डिश भी साथ में रिकमेंड कर सकते हो, लॉर्डिश को भी आप साथ में रिकमेंड कर सकते हो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बेटा आपको क्या क्या पढ़ना होता है? आपको ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ओपरोन जो है और रीमॉडलिंग जो है, डीएनए का जो रिपेयर सिस्टम होता है, ये सारा रफली आपको जो है कंप्लीट करके जाना है अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो। जरूर आपने अपने सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। उसके बाद बेटा जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे मेंशन है, दैट इज इकोलॉजी।
इकोलॉजी में आपको पॉपुलेशन, कम्युनिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है, बाकी पॉल्यूशन वगैरह जो है ये सब पढ़ के जाना है, इकोसिस्टम पढ़ के जाना है, इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन जिसमें म्यूचुअलिज्म वगैरह ये सब आता है, ये सब आपको जनरल एक आपको नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इकोलॉजी पढ़ने के लिए बेटा मैं आपको एक इंडियन ऑथर की बुक बताती हूँ जिसकी लैंग्वेज भी आपको सिंपल लगेगी, तो आप पीडी शर्मा की जो बुक है बेटा वो यहाँ पे रेफर कर सकते हो। उसके बाद नंबर फिफ्थ सब्जेक्ट जो आपको मेंशन किया गया है, मेरा फेवरेट अगेन वंस अगेन, वो है बेटा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो आप लोग स्मिथ की जो बुक है वो रिकमेंड कर सकते हो। इवोल्यूशन में आपको हार्डी वीनबर्ग पे बहुत ध्यान देना है, उसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन हो गया, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप लोग अलग अलग पीरियड्स, इओन, ईरा ये सब पढ़ते हो, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, इवोल्यूशन ऑफ होर्स, ये सारा जो डाटा है इनके ऊपर अपना मेन फोकस रखना है, ठीक है। नंबर सिक्स बेटा अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करूँ तो नंबर सिक्स सब्जेक्ट आपको यहाँ पे इकोलॉजी का ही एक सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, वो है बेटा बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। तो आपको जहाँ से भी ये टॉपिक अच्छा मिल जाए, किसी भी इकोलॉजी की बुक से अच्छा मिल सकता है, आप उस बुक को रिकमेंड कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे पी डी शर्मा भी रिकमेंड कर सकते हो, ऑडम की जो बुक है मैं बोलूंगी आप लोग उसको भी रिकमेंड कर सकते हो, ऑडम की यहाँ पे बुक आती है आप लोग उसको भी यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हो बेटा। इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर सेवेंथ सब्जेक्ट की, तो नंबर सेवेंथ आपका जो सब्जेक्ट है बेटा वो इम्यूनोलॉजी है। इम्यूनोलॉजी में आपको पता है सबसे बेस्ट जो इम्यूनोलॉजी की बुक है बेटा वो आती है क्यूबे की। किसकी आती है? क्यूबे की। इसमें आपको जो फाइव टाइप की एंटीबॉडीज है उस पर ध्यान देना है, मोनो क्लोनल हाइब्रिडोमा जो टेक्निक है उसके ऊपर ध्यान देना है, बाकी आपको ग्राफ्ट रिजेक्शन और जो डिजीजेज होती है कि किससे कौन सी डिजीज होती है, इम्यूनोलॉजी में जनरली जब पढ़ते हो इम्यूनिटी के ऊपर आपको मेन ध्यान देना है, तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स जो है, थोड़े बहुत ड्रग्स वगैरह जो वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल जो है बेटा आपका प्ले करेगा। उसके बाद अगर नंबर एट हम लोग यहाँ पे बात करें सब्जेक्ट की, तो नंबर एट जो आपका सब्जेक्ट है बेटा वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपके पेडिग्री के क्वेश्चन आते हैं, जनरल मेंडलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो आपके लोस थे उस पर क्वेश्चन आता है, टेस्ट क्रोस आता है, बैक क्रोस आता है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जो आपके डिसऑर्डर्स होते हैं टर्नर लाइन फिल्टर और जो क्रोमोजोमल थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी हुई होती है, सेक्स डिटर्मिनेशन पे क्वेश्चन आता है, तो ये सारा आपका जेनेटिक्स का जो है पार्ट रहता है जिसमें क्रोमोसोम्स वगैरह सब इंक्लूड रहते हैं। तो इसके लिए अगर कोई बुक आपको बेस्ट नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, स्नस्टर्ड की जो बुक है बेटा वो सबसे अच्छी होती है, जेनेटिक्स एक सिंपल लैंग्वेज में उस बुक में दी हुई है। नंबर नाइन्थ बेटा जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका बायोटेक्निक्स। बायोटेक्निक्स को बेटा आप लोग मेथड्स इन बायोलॉजी के नाम से भी जान सकते हो, या फिर अगर आपने अपने सेमेस्टर में टूल्स एंड टेक्निक्स के नाम का अगर सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो टूल टेक्निक जो है बेटा आई एम सॉरी, तो आपका जो टूल टेक्निक वाला जो सब्जेक्ट है बेटा वो इसी हेडिंग के अंडर आता है। तो आप लोगों को बेटा टेक्निक के लिए कोई सिंगल बुक रिकमेंड नहीं करनी है, आपको मल्टीपल बुक रिकमेंड करनी है, जो मैंने ऊपर सेल मॉल जेनेटिक्स की जो बुक बताई है, इम्यूनो की जो बुक बताई है, टेक्निक वाला जो पार्ट है आपका यहीं से कवर हो जाता है। तो आपको जनरली एस डी एस पेज हो गया, ये सारी जो टेक्निक होती है, सैम टैम हो गया, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, जनरली जो ये सारी टेक्निक है वो आप लोगों को पढ़नी होती है। सिमिलरली इसके अलावा नंबर टेंथ अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वेटेज, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा, वो आने वाला है बेटा वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर से। इसको आप लोग एनिमल डाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हो, तो सबसे पहले तो आप लोग एक बेसिक कंसेप्ट डेवलप करने के लिए आप लोग एनसीईआरटी को भी रिकमेंड कर सकते हो। और उसके बाद आपको पता है कोटवाल की जो बुक आती है, कोटवाल की जो बेटा आपकी बुक आती है एनिमल डाइवर्सिटी की, वो बहुत बेस्ट बुक है। आई थिंक अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट हो, अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट हो बेटा तो आपने इस बुक को जरूर पढ़ा होगा बेटा, आपने इस बुक को जरूर पढ़ा होगा, ये जो बुक है बेटा आपने इस बुक को जरूर पढ़ा होगा, ये जो एनिमल डाइवर्सिटी की बुक आती है, कोटपाल वाल नहीं बेटा, कोटपाल, कोटपाल की जो बुक होती है आपने इसको जरूर पढ़ रखा होगा, बहुत अच्छी बुक है, आरएल कोटपाल के नाम, कोटपाल के नाम से आती है, पूरा नाम इसका आरएल कोटपाल होता है। ये सबसे बेस्ट आपकी बुक जो है रहेगी आपके इस टॉपिक के लिए, और सबसे ज्यादा वेटेज आपको अपने एग्जाम में इसी का दिखने वाला है। नंबर 11th सब्जेक्ट की अगर हम बात करें बेटा तो वो आता है आपका डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपको सी अर्चिन वगैरह ये सब कंप्लीट करना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वगैरह सब कंप्लीट करना है, यहाँ पे ड्रोसोफिला और जो आप
आप लोग यहाँ पे पढ़ते हो विंग्स वगैरह कि किसकी बॉडी में कितना एब्डोमन होता है, ये सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको कवर करने हैं। और इसके लिए सबसे बेस्ट बुक आपको पता ही है, गिलबर्ट्स की बुक यहाँ पे सबसे बेस्ट रहती है। नंबर 12th अगर हम बात करें तो नंबर 12th जो आपका सब्जेक्ट है बेटा वो है आपका बायोस्टेटिक्स, वो है आपका बायोस्टेटिक्स। बायोस्टेटिक्स आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो आप एक टाइम के लिए उसको स्किप कर सकते हैं, बाकी 13 यूनिट्स अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा बुक पूछना चाहता है तो वीर बाला रस्तोगी की एक बहुत अच्छी बुक आती है बेटा, जो पूरा बायोस्टेट्स जो है कंप्लीट करके जाती है। सिमिलरली नंबर 13 जो बेटा हमें यहाँ पे यूनिट गिवन है वो गिवन है आपकी एनिमल फिजियोलॉजी की। एनिमल फिजियोलॉजी जिसमें आप अपना डाइजेशन वगैरह, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और न्यूरल कंट्रोल, लोकोमोटरी ऑर्गन्स और आपके जो एंडोक्राइनोलॉजी है, आपका ब्रेन है, आई है, ईयर है, ये सारा पार्ट जो आप कवर करते हो ये आपको कवर करना है। तो एनिमल फिजियोलॉजी आपको जिस भी बुक से अच्छी लगती हो, आपने जो भी पढ़ रखी हो आप उस बुक से पढ़ सकते हो। सिमिलरली नंबर 14th और लास्ट जो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट गिवन है बेटा वो गिवन है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वो आपका यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, वो गिवन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कवर करने के लिए बेटा आपकी जो सबसे बेस्ट बुक है वो है टी ब्राउन की। आप लोग टी ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी की जो बुक है आप लोग इसको रिकमेंड कर सकते हो। इसमें बहुत अच्छा आपका आरडीटी जो है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अच्छा दिया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस फॉर जूलॉजी। ये 14 सब्जेक्ट्स आपको करने हैं।